सीट राजस्थान की हॉट सीट में शुमार है और इस सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन 2014 में बीजेपी ने यह सीट कांग्रेस की झोली से छीन ली थी। अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, यानी मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। तो बड़ा सवाल यह है कि झुंझुनू सीट पर आखिर कौन बाजी मारेगा। देखिए रिपोर्ट। शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला जिला झुंझुनू देश में सैनिकों के जिले के नाम से जाना जाता है। झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र शुरू से कांग्रेस का गढ़ रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिवंगत नेता शीश राम ओला का यहां की विरासत में एक छत्र राज रहा है। बीजेपी ने इस सीट पर कांग्रेस के पांव उखाड़ने की लाख कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। हालांकि 2014 में मोदी लहर में बीजेपी यहां सीट जीतने में कामयाब रही। झुंझुनू लोकसभा सीट पर आजादी के बाद हुए 16 लोकसभा चुनाव में 11 बार कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की, जबकि एक बार स्वतंत्र पार्टी, एक बार भारतीय लोकदल, एक बार जनता पार्टी और एक बार जनता दल जीती। 1952 से 1962 तक कांग्रेस से उद्योगपति राधेश्याम मोरारका ने 3 बार झुंझुनू से जीत दर्ज की। झुंझुनू सीट से कांग्रेस ने पूर्व विधायक श्रवण कुमार और बीजेपी ने वर्तमान विधायक नरेंद्र खींचड़ को टिकट दिया है। परंपरागत रूप से जाट सीट मानी जाने वाली झुंझुनू में इस बार रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों ही पार्टियों के नेताओं को खुद की पार्टी के नेताओं से तो मदद की आस है ही, साथ ही दूसरी पार्टी के बागियों और नाराज नेताओं से भी बड़ी मदद की उम्मीद दिख रही है। कांग्रेस उम्मीदवार श्रवण कुमार सूरजगढ़ से इस बार विधानसभा चुनाव हारे हैं, लेकिन यहीं से पहले विधायक भी रह चुके हैं। इसी तरह पिलानी विधानसभा सीट से भी श्रवण कुमार विधायक रह चुके हैं। नरेंद्र खींचड़ को मौजूदा सांसद संतोष अहलावत और उनके समर्थकों के विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। ब्यूरो।